वेविस रेंटर को समझ सकते हैं, जान सकते हैं या नहीं जान सकते? देखिए, सबसे पहला होता है नंबर वन एंटीरियर। एंटीरियर मैं सारे कन्फ्यूजन्स आप सभी के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, बस थोड़ा सा ध्यान से सब्र से इस पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। नंबर टू होता है FHR यानी फीटल हार्ट रेट, राइट। तीसरा होता है पोस्टीरियर, ठीक है। थ्री पॉइंट्स यहां पर आपको देखने को मिले। और चौथा होता है खाने पीने की चीजों में कुछ इच्छाएं होना या सिम्टम्स होना। सिम्टम्स सबसे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद में फाइव नंबर पर होता है डिजायर्स, ठीक है, मतलब कि इच्छाएं होना खाने की। तो ये पांच पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हर किसी को कंफ्यूजन में डालते हैं। क्या वास्तव में इन पांच पैरामीटर्स से हम बच्चे का जो लिंक होता है, बेबी जेंडर जो होता है, उसे समझ सकते हैं या नहीं? तो इस वीडियो में सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो करें, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहां पर देखिएगा, यहां पर पोस्ट एंटीरियर और पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, पहले इसे समझिएगा। एंटीरियर इधर समझते हैं, ये देखिए, राइट, ये एब्डोमिन की रीढ़ की हड्डी है, पीछे वाली जो हम रीढ़ की हड्डी बैकबोन जिसे हम कहते हैं, ये है, ठीक है। अब देखिए, ये हमने एब्डोमिन बनाया और इस ये है हमारा अम्बिलिकस। अम्बिलिकस हमारे लैंग्वेज में होता है, अम्बिलिकस बोलना मतलब ये होती है टुंडी, ऐसे समझिएगा। तो जो टुंडी होती है ये हमने, इसे हम अम्बिलिकस बोलते हैं, तो जब भी मैं अम्बिलिकस बोलो तो आप इसे टुंडी समझना, राइट, टुंडी समझना नहीं होता ये हिंदी में। तो यहां पर जो आपका ये जो अम्बिलिकस है ये आगे की तरफ है, इसका मतलब है कि जो एब्डोमिन है वो आगे की तरफ है और ये पीछे का हिस्सा है, ये बैक है, ठीक है, ये बैक हिस्सा हो गया और ये आगे का हिस्सा हो गया, फ्रंट हो गया, ठीक है, एक कंफ्यूजन क्लियर हुआ। दूसरा, यहां पर होता क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? देखिए, एंटीरियर हमारी लैंग्वेज में जो आगे का हिस्सा होता है उसे हम एंटीरियर बोलते हैं। ये जो बॉल है, देखिए, ये तो हमारी एब्डोमिन की ऊपरी बॉल है, वॉल मतलब कि दीवार, ये तो हमारी एब्डोमिन की ऊपर आगे की वॉल है, मतलब दीवार है, और ये इसके पीछे जो प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा हमारा होता है वो इसके पीछे है। तो प्लेसेंटा के अंदर हमारा फीटस रखा हुआ है, फीटस जो बच्चा है वो प्लेसेंटा के अंदर रखा हुआ है। अब यहां पर हमें करना क्या है, देखिए, ये एब्डोमिन की वॉल के पीछे प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के अंदर फीटस रखा हुआ है और उसके ये चारों तरफ से कवर है, बात समझ रहे, ये चारों तरफ से कवर है। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर का मतलब क्या हुआ, यहां पे देखिए, प्लेसेंटा इससे अटैच है आगे की तरफ, तो यहां पर इसे हम कहते हैं एंटीरियर, बात समझ रहे, जो हमारा प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा हमारा अगर एब्डोमिन की आगे की वॉल से अटैच है तो ये हो गया एंटीरियर, और यही प्लेसेंटा अगर पीछे की बॉल से अटैच हो जाए, अगर एब्डोमिन की पीछे की बॉल से अटैच हो जाए तो इसे हम कहेंगे पोस्टीरियर, राइट, ये क्लियर हुआ। तो अब मुझे आप ये बताइए कि एंटीरियर और पोस्टीरियर, इससे बेबी के जेंडर का क्या रिलेशन है? पहली बात क्लियर हुई, मतलब कि कोई रिलेशन नहीं है, इट्स अ रॉन्ग, जो भी आपको बताता है ये सबसे गलत है, राइट, ये मैं आपको साइंटिफिक बता रहा हूं, ये कोई हवाओं में कोई ऐसा वीडियो नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो मैं हवाओं में बता रहा हूं आपको, ये साइंटिफिकली है, ऐसा है। अब देखिए, इसमें एक चीज और समझिए, अपर यानी कि लोअर और अपर, तो देखिए क्या अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट क्या होता है,
जैसे ये वाला सेगमेंट है तो ये लोअर सेगमेंट हो गया, और ये वाला सेगमेंट है ये अपर सेगमेंट हो गया, ठीक है, सुपीरियर, बात समझ रहे, इंफीरियर, बात समझ रहे। तो अब एक सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा कि अपर और लोअर, लोअर मतलब कि नीचे का, अपर यानी ऊपर का। तो जब पेशेंट को आपने देखा होगा कि प्लेसेंटा प्रीविया होता है, प्लेसेंटा प्रीविया होता है ना, जिसकी स्टेजेस होती है, तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है मरीज को, यहां पर ये कहीं सिचुएटेड हो जाता है। जो प्लेसेंटा नॉर्मल हमें एंड ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्लेस्ड होना चाहिए, वो प्लेसेंटा नीचे प्लेस्ड हो जाता है जहां जो ओरोफिश होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कभी कभार ये पूरे ओरोफिश को कवर कर लेता है, तो नॉर्मल डिलीवरी होने में काफी सारी प्रॉब्लम आती है, इसलिए प्लेसेंटा प्रीविया होता है। अगर निचले वाले हिस्से को कवर कर ले पूरी तरीके से तो ये प्लेसेंटा प्रीविया है। अब यहां पर देखिए, पोस्टीरियर और एंटीरियर पोस्टीरियर को हमने समझा, अब यहां पर समझते हैं हम एफ एच आर। एफ एच आर क्या है? एफ एच आर का मतलब सीधा होता है फीटल हार्ट रेट। अब फीटल हार्ट रेट कितनी हो सकती है, देखिए हार्ट रेट, ये पेशेंट की, ये जो बच्चा होता है, जो बेबी है, फिटस है हमारा, बेबी तो डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद होगा, उसमें जब डिलीवरी से पहले उसे फिटस ही बोलते हैं, तो फीटस की जो हार्ट बीट होती है वो अप्रोक्स 100 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, 100 से ये चली जाती है आपकी 160 तक पर मिनट, पर मिनट, ठीक है। तो 100 से 160 पर मिनट होनी ही चाहिए, अप्रोक्स बता रहा हूं मैं आपको, इसमें दो चार से ऊपर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इतना नॉर्मल होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि कई लोग ऐसे बोलते हैं एफ और एम, इसका मतलब आप समझ गए। अब इसमें क्या होता है, कई लोग ये बोलते हैं कि भैया इसकी हार्ट रेट जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है और इसकी हार्ट रेट जो होती है वो लो होती है, इससे क्या आपको लगता है कि इससे कोई इसका संबंध है, आपको लगता है कि इसका कोई रिलेशन है? एक नॉर्मल ह्यूमन बींग, एक नॉर्मल एडल्ट का, मान लीजिए एक मेल एडल्ट का अगर हम पल्स रेट लें, हार्ट रेट अगर चेक करें, तो मान के चलिए उसकी हार्ट रेट 74 आई, और अगर उसी टाइम पर, सेम टाइम पर अगर हम फीमेल की चेक करें तो उसकी भी 72 आई। क्या मतलब है इससे, क्या लगता है आपको, ऐसा कोई है? ये मान लीजिए उसकी 74 आई, क्या लगता है आपको कि ये कुछ सच है? ये भी टोटली गलत है, इसका कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जो कि आपको बता सके कि जो एज है, अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू इसके हार्ट रेट के कोई बता सके, बिल्कुल गलत है, ठीक है। वैसे तो ये करना भी गलत होता है, लेकिन मैं आपको यहां पर सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं जिससे कि आप कंफ्यूजन में ना रहें, बेटा बेटी एक समान होता है सब। अब बात करें सिम्टम्स के बारे में, तो सिम्टम्स के बारे में क्या होता है, देखिए कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें डिजायर्स होती हैं कुछ चीजें खाने की, और कई पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ डिजायर्स नहीं होती है। अगर मान के चलिए बॉडी में ग्लूकोज की कमी हुई, ग्लूकोज की कमी हुई तो क्या होगा पेशेंट को, क्या खाएगा पेशेंट, मीठा ही खाएगा ना, सिंपल सी बात है। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम हो रहा है, मीठा कम हो रहा है, तो बॉडी क्या मांगेगी, ग्लूकोज ही मांगेगी ना, मीठी चीजें ही खाने को मांगेगी ना। तो उसको हम कह देते हैं कि नहीं भैया ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, पहली बात। दूसरा, सिम्टम्स की बेसिस पर बात करें तो सिम्टम्स में क्या होता है कि यहां पर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन्स क्या होते हैं, अप डाउन होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी पेशेंट में जो मेल हार्मोन है वो बढ़ जाए। अब मेल हार्मोन बढ़ने की वजह से क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं, देखिए जैसे बालों का बढ़ना, अगर जैसे आपने देखा होगा ना फीमेल्स में मूछें आ जाती हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर मेल हार्मोन बढ़ रहा है, मूछें आना या दाढ़ी आना, मतलब हल्के हल्के रोम टाइप के आ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मेल हार्मोन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा कुछ फील हो सकता है, ये एक सिम्टम्स है, बाकी अदरवाइज कुछ भी ऐसा नहीं है। और कुछ जांचें जो लोग जांचें कराते हैं वो भी गलत होता है, क्योंकि 1994 के अंदर एक नियम आया था जिसके तहत आप इंडिया के अंदर जो वेवी जेंडर है उसे आप
रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी जो है उसमें सारी चीजें पता लग जाती हैं। लेकिन 1994 के अंदर एक रूल आया, एक लॉ आया जिसमें कि आप इसे रिवील नहीं कर सकते। सो दैट्स क्लियर, यहां पर ये सारी चीजें गलत हैं। कोई भी आपको कंफ्यूजन अगर करता है कि ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आए, ये सारा केवल हॉर्मोन्स का खेल है और यहां पर सब इक्वल है, चाहे वो फीमेल हो और चाहे वो मेल हो, सभी के लिए सभी इक्वल होने चाहिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप फर्क करते हैं वो एक बात अलग है, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है। एक बेटा होता है वो भी सही से खाना रोटी नहीं देता है, और अगर चार बेटियां होती हैं वो सही से खाना दे देती हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है? तो इस बात को याद रखें, ये बिल्कुल किसी के लफड़ों में न पड़े, ये बिल्कुल जो साइंटिफिक चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये लीगली कराना अपराध है, हमें नहीं कराना चाहिए, कोई भी हो चाहे। और ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, जो भी आपको भटकाते हैं, जो भी आपको मिसगाइड करते हैं, ये गलत है बिल्कुल। आप अपने दिमाग को यहाँ पर खोल सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ तथ्य रखे हुए हैं, बिल्कुल आप क्लियर माइंड से आप इसे सोच सकते हैं कि ये गलत है या सही है। मैंने आपको सारी चीजें क्लियर बताई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट जरूर करें। तो ये सिंपल ही है कि बेबी जेंडर को किसी भी तरीके से हम पता नहीं लगा सकते, ये पूरी तरीके से वैन है इंडिया के अंदर। तो आप बेटर ये होगा कि इन चीज़ों में न पढ़ें, बेटर ये होगा कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा न देखें, और मेल और फीमेल इज इक्वल राइट नाउ। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे नए चैनल पर नहीं गए हैं तो नए चैनल की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।